मॉर्निंग एवरीवन, आज डे 72 है मेरी वेट लॉस जर्नी का। आज मेरा वेट 83.8 केजीज है। मैं जा रहा हूँ एक्सरसाइज करवाने, तो फिर आके मेरी एक्सरसाइज करूँगा। मिलते हैं सीधा एक्सरसाइज पे। फर्स्ट एक्सरसाइज मैंने करी है हैंड स्टैंड पुशअप्स, जिसके मैंने 8 से 10 रेपिटेशन के 3 सेट लगाए हैं। सेकेंड एक्सरसाइज मैंने चेस्ट फ्लाई होल्ड करी है, जिसके मैंने 10 सेकेंड्स होल्ड के 5 सेट लगाए हैं। उसके बाद मैं 20 मिनट्स की जॉगिंग करी है। एक्सरसाइज फिनिश करके मैंने आज की मेरी फर्स्ट मील ली, जिसमें मैंने लिया है एक बोल फ्रूट्स का और उसके अंदर चॉकलेट मिल्क है, जिसका टोटल 1200 कैलोरीज होता है। एंड यहाँ पे मैंने 58 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन कंज्यूम करा है। दिन में मैंने थोड़ा बहुत मेरा काम वाम करा और उसके बाद मैं शाम को आज के दिन की दूसरी मील ली, जिसमें मैंने लिया है दाल रोटी और उसके साथ में 2 पीस मिठाई के, जिसका टोटल 1000 कैलोरीज होता है। एंड यहाँ पे मैंने 40 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन कंज्यूम करा है। स्टेप्स हो चुके हैं, आज मेरा वेट 83.8 केजीज है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। ज़रूरत से ज़्यादा मेरा वेट नहीं बढ़ा है। जनरली जब भी ऐसा कोई ओकेज़न होता है, जब लगभग ऐसे 2 से 3 दिन तक बाहर का खाने का रहता है, कि मिठाई हो गई, कुछ भी एक्सवाइजेड बाहर का खाने का हो गया, जब भी ऐसा कुछ भी होता है, तो उस टाइम पे मेरी बॉडी का रिस्पॉन्स ऐसा रहता है कि बहुत जल्दी वेट गेन करती है। मतलब वाटर रिटेंशन और अदर जो भी अंदर बॉडी के अंदर एक्टिविटीज चल रही है, उस वजह से फैट गेन तो नहीं, बट यस वेट गेन मेरा हो जाता है। और लगभग ऑन एन एवरेज 2 kgs का वेट गेन कर लेती है मेरी बॉडी। और इस बार मेरी बॉडी ने लगभग 1 kg, 1 से 1.5 kg के बीच में वेट गेन करा है, तो काफ़ी सही है। इतना कोई ज़्यादा वेट गेन नहीं करा है। और यहाँ पे ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि मैंने पोर्शन कंट्रोल पे फोकस करा है। पोर्शन कंट्रोल से मेरा ये मतलब है, कोई सी भी चीज़ खाना, लेकिन एक थोड़े से अमाउंट में खाना, उसके पोर्शन को, उसके साइज को कंट्रोल करना। कंट्रोल इन द सेंस कि थोड़े से अमाउंट में खाना, लिमिटेड अमाउंट में खाना। मैंने चीज़ें सारी खाई है, मिठाइयाँ खाई है, जो भी बना है घर पे सब खाया है, लेकिन थोड़े थोड़े अमाउंट में खाया है। उससे मेरी खाने की पूर्ति भी हो गई है और मैंने एक्सेस में कंज्यूम भी नहीं करा। जनरली जब भी मैं रेजिस्ट करता हूँ, या कोई भी इंसान जिसको फूडी है या खाने का शौक है, वो अगर रेजिस्ट करेगा, तो होता ये है कि जितना वो रेजिस्ट करता है, वो सारी कसर वो जिस दिन खाता है ना, उस दिन वो रेजिस्ट करी हुई जो कसर है ना, वो सारी वो एक दिन में निकाल देता है। तो वो चीज़ नहीं होगी उससे। आप भी अगर आपको ऐसे क्रेविंग होती है खाने की, या आपको शौक है, तो बजाय रेजिस्ट करने के आप थोड़े से अमाउंट में खा सकते हैं। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। बाय बाय, गुड नाइट।